यूजुअली सैटरडे और संडे को मैं 3-4 बजे उठता हूँ और फिर लंच करता हूँ और फिर बाहर जाके मैं पार्टी करता हूँ। और आजकल छुट्टियाँ हैं इसलिए काफ़ी टाइम से सैटरडे और संडे लूप में चल रहा है। तो फिर सैटरडे और संडे के लूप से बाहर निकलने के लिए मैं सीएम के साथ आ चुका हूँ भैरवगढ़ी। और अभी हम थोड़ा से चढ़े और मेरी सांस फूल चुकी है बहुत बुरी तरीके से। कैसे हो? मोटा तो हो गया भाई। और गाइस मैं अभी पूरी रात से नहीं सोया हूँ क्योंकि सुबह मैं सोया था 5 बजे और तब तक सीएम का कॉल आ गया और उसने मुझे उठा दिया। फिर सीधा एक दिन की नींद स्किप करके मैं और शिवम आ गए भैरवगढ़ी। और ये देखो यहाँ का नज़ारा चेकआउट करो, बहुत तगड़ा रखा है। और बारिश का टाइम है इसलिए यहाँ पे कार भी बहुत फिसल रहे हैं काई की जड़ से। अभी मैं बहुत थक गया इसलिए यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। और शिवम भाई बोल रहे हैं कि अगर मैं रुक गया तो फिर खड़ा नहीं हो पाऊँगा, इस वजह से खड़ा ही है। बैठ गया तो खड़ा नहीं पाऊँगा। हाँ भाई बोल रहा हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, काफ़ी टाइम से ओवर ईटिंग कर रहा हूँ इसलिए अच्छे से चला नहीं जा रहा। पिछली बार तो एक ही बार में ऊपर चले गया था बट इस बार काफ़ी वजन लेके आया हूँ साथ में, इस वजह से चढ़ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। कुछ दूरी पहले से ही हमें कीर्तन की आवाज़ सुनाई देनी स्टार्ट हो गई है और यह है यहाँ की सबसे पहली एंट्रेंस। एंट्रेंस में पहुँचते ही संग यहाँ पे सबसे पहले 3 मंदिर है और यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए। सबसे पहले मंदिर में शिव जी और ठीक उनके ही बगल में काली माता की मूर्ति भी रखी हुई है और दूसरे मंदिर में रखी हुई है काली माता की बड़ी सी प्रतिमा। दोनों मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं तीसरे मंदिर में जहाँ पे विराजमान है हनुमान जी जिनकी बहुत ही सुंदर सी मूर्ति रखी हुई है। फिर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं सबसे ऊंचे वाले मंदिर में जो कि है शिव जी का। और आज संडे था इसलिए यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें ढंग से खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही थी, हम बड़ी मुश्किल से खड़े हो रखे थे। और पंडित जी के पीछे है शिवलिंग जिसके सब दर्शन करने के लिए आए हैं। और ठीक मंदिर के बाहर में चल रहा था हवन और ठीक मंदिर के पीछे हो रहा था भंडारा। मैं और शिवम अभी मंदिर से नीचे आए और मौसम कुछ ऐसा हो चुका है और अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं और ये खा के टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है और भीगने का भी कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि टू व्हीलर में आ रखे ठंड लग सकती है। और ये छपरा भी बस यहीं तक है, इसके बाद कुछ नहीं है बारिश से बचने के लिए, तो ये खा के टाइम पास करें। नाउ लेट्स सी बारिश कब तक बंद होगी, अब तो और तेज हो गई। आज लगता नहीं है गाइस हम घर जा पाएंगे, बड़ी भयंकर बारिश होने लग गई है। शिवम तेरा क्या मानना है भाई, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? जाएंगे पक्का भाई। ओट शिवम भाई चाहे तैर के जाए पर जाएगा जरूर है। अब हम वापस जा रहे हैं, वैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है बट हमने प्लान किया कि अब चले ही जाते हैं और इसका भी सहारा बस यहीं तक था। नाउ अब हमने सोचा कि चलो चल ही लेते हैं। और अभी हमें ठीक उस पहाड़ी के पार जाना है वो जहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है वहाँ पे। क्यों शिवम? यस, जैसे हम वहाँ से नीचे आए ना वैसी बारिश बंद हो गई, लगता है भोले बाबा की कृपा है हमारे ऊपर। जैसे हम ओट बात तो सही है। और ये देखो यहाँ का मौसम एकदम साफ हो गया, बारिश बंद हो गई, घर जाने के लिए भी रास्ता एकदम क्लियर है। चलो चलते हैं फटाफट से, रास्ता नापते हैं और सही सलामत घर पहुँचते हैं। तो बस अब थोड़ा सा रह गया पहुँचने वाले हैं। क्यों शिवम? यस, फिर गाड़ी उठा के निकल गए घर की तरफ आराम से हले हले सेफली। अरे भाई यहाँ पे है बहुत सारी कंडालियाँ, कंडाल से बच के रहना, अगर कंडाली लग गई तो फिर लग गए। और जो कंडेली की पहचाने ऐसे होती है, ये उसमें काटे काटे लग जाते हैं ऐसे से, ऐसे दिखता है, इससे संभल के रहना बस। वापस आते टाइम बारिश होने लग गई थी इसलिए हम थोड़ी देर गुमखाल में रुके और अब वापस घर जा रहे हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, काफ़ी ठंड भी लग रही है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि शिवम भाई को सुस्सू जाना है और भाई यहाँ का मौसम ऐसा हो रखा ना कि मतलब एकदम फर्स्ट क्लास, देख रहे हो हर तरफ धुंध ही धुंध। और कैमरा तो इतनी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा धुंध को बट खुद आके देखोगे तो पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा है। और यहाँ का मौसम भी एकदम चिल्ड हो रखा है, मतलब हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो एसी चलाना पड़ता है दोपहर में बट यहाँ पे तो भाई नेचुरल एसी है। ये देख रहे हो ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है। और जब मैं पिछली बार घूम खा लाया था उस टाइम तो था नहीं ऐसा मौसम बट अब हो गया। और ये देखो लोगों ने क्या कर रखा है,
यार यहाँ आओ तो और कभी भी ड्रिंक करो तो ऐसे मत फेंको, कहीं डस्टबिन में फेंको। वैसे भी जगह जगह पर डस्टबिन लगे हुए भी है। और शिवम आ चुका है हल्का होके। हाँ भाई आजा जल्दी। अभी शिवम और मैं पूरी तरीके से भीग चुके हैं। रास्ते में एकदम से बहुत तेज बारिश पड़ गई थी और अभी भी बहुत बारिश आ रही है। और अभी हम एक दुकान में रुके हुए हैं ताकि हमारा फ़ोन ना भीगे। हम तो भीग गए कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं भीगना चाहिए। और भाई साहब यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो चुका है। अब जैसे बारिश बंद होगी फ़ोन को पन्नी में डालेंगे सीधा घर निकलेंगे। वापस आते टाइम हमें रास्ते में दिखते हैं बहुत सारे हाथी, कुछ पेड़ के पीछे छुप चुके थे बट जो कैमरे में आए वो सिर्फ दो ही थे।